आखिर कारण क्या है कि इंडियन बैंबू स्टिक्स लोग लेना नहीं चाहते और इनसे अगरबत्ती भी बनाना नहीं चाहते। इसकी पूरी सच्चाई अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और हमेशा हम लोग चाइना के पीछे भागते रहते, चाइना 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 करते भी इतने ज्यादा जो है इसके प्राइस बढ़े हुए हैं कि चाइना बैंबू स्टिक्स की पूरी मोनोपोली है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कार मैं तो वोकल फॉर लोकल सपोर्ट करना ही चाहूंगा और आप भी सपोर्ट जरूर कीजिए इंडियन बैंबू स्टिक्स को। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आखिर क्यों जो है हम लोग इंडियन बैंबू स्टिक्स अगरबत्ती बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते? आखिर कारण क्या है कि इंडियन बैंबू स्टिक्स लोग लेना नहीं चाहते और इनसे अगरबत्ती भी बनाना नहीं चाहते, नहीं हो पाता, क्या कारण है? आखिर लोग इंडियन बैंबू स्टिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इसकी पूरी सच्चाई अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अभी मेरे हाथ में आप देख पा रहे होंगे, ये है इंडियन बैंबू स्टिक्स और एक तरफ हमारे पास है चाइना बैंबू स्टिक। इसके बारे में तो भाई सब लोग जानते ही होंगे क्योंकि ऑलमोस्ट ये सबसे ज़्यादा जो है इस्तेमाल की जाने वाली चाइना की बैंबू स्टिक्स हैं, जो कि चाइना से मंगाई जाती हैं और हम लोग इनका ही लगभग इस्तेमाल करते हैं। और कारण ये है कि इंडियन बैंबू स्टिक्स किसी कारण से उतनी सक्सेसफुली नहीं है, पर क्यों नहीं है इसके बारे में जानेंगे। और हमेशा हम लोग चाइना के पीछे भागते रहते, चाइना 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 करते रहते हैं और अभी के टाइम आप देखे होंगे कि चाइना क्या कर रहा है, अभी इतने ज़्यादा जो है इसके प्राइस बढ़े हुए हैं। और पिछले वीडियोस में मैंने इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताई हुई कि किस तरीके से हमारे अगरबत्ती बिजनेस या फिर किसी भी बिजनेस में प्राइस, रॉ मटेरियल्स या फिर और भी कैटेगरीज की जो मूल्य है उनकी बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। बिजनेस करना अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है आ रही है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो ज़रूर आप देखिए। और मैंने चाइना और वियतनाम के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक में हम बात कर रहे थे। तो दोनों का डिफरेंस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। ये आपको पीली डंडी वाली जो छड़ियां दिख रही हैं, ये है हमारा इंडियन बैंबू चाइना बैंबू स्टिक्स। तो इसकी फिनिशिंग आप जानते होंगे, मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग जो है चाइना बैंबू स्टिक लेके ही अगरबत्ती बनाते हैं, तो आपको मालूम होगा कि कैसे होती हैं, राउंड शेप कैसे होता है, दिखने में कैसे होता है, फिनिशिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ें आपको मालूम है। सेकंड हम आ जाते हैं अपने इंडियन बैंबू स्टिक की तरफ। तो ये भाई कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलेगी, थोड़ा सा डार्कनेस होगा और थोड़ा हमने कलर भी कर दिया क्योंकि ये पुराना स्टॉक है, मेरे पास जो है काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। और कुछ इस तरीके से कलर देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा इसके स्टिक्स का मैं बोलूं तो इसके साइज़ थोड़े से ओवर आएंगे, थोड़े से मोटे रहेंगे, 1.3 mm से थोड़ा सा ऊपर। तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। और फिनिशिंग की मैं बात करूंगी, थोड़ा सा कम है क्योंकि ये खुली जगहों पे थी, जैसे कि आप जानते हो बैम्बू स्टिक्स में भी आजकल बारिश के टाइम में फंगस आ जाता है। तो ये थोड़ा सा रफनेस दिख रहा है और कुछ इस तरीके से भाई दिखता है इंडियन बैम्बू स्टिक्स। काफ़ी सारे लोग तो देखे ही नहीं होंगे, मैं सही बता रहा हूँ कि इंडियन बैम्बू स्टिक इतना पीछे है, हमारा भारतीय बांस की जो काड़ियाँ हैं, तिलियाँ हैं, वो इतनी पीछे है कि कई लोग इसे देखे भी नहीं होंगे कि किस तरीके से ये बैम्बू स्टिक्स आता है। बट यहाँ बनता है और अभी भी प्रोसेस चालू है, चल ही रहा है, लेकिन चीज़ें वही है कि ये पूरी तरीके से सरवाइव नहीं हो रहा है, मतलब पूरी तरीके से लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं ना तो इस्तेमाल करते हैं। इसके कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि लोगों को इंडियन बैंबू स्टिक जो है पसंद नहीं है या फिर उनको मिल नहीं पाता। तो ये है सबसे पहली चीज़, इसके प्राइस। अब प्राइस कैसे बढ़ेंगे? प्राइस होता है डिपेंड आपके प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन कहाँ से होगा? जहाँ पे बांस जो है मिलेगा। और गवर्नमेंट ने, सबसे पहले मैं गवर्नमेंट के ऊपर जाता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया था कि यहाँ के जो है बैम्बू के उत्पादन भी यही होंगे, उसकी फार्मिंग होगी और यहाँ पे मशीन लगाए जाएंगे और बैम्बू से जो बने हुए प्रोडक्ट है वो यहीं पे यूज़ किए जाएंगे, चाहे फिर अगरबत्ती का ले लो, चाहे ऐसे और तमाम सारी चीज़ें जिससे बांस की जो है मैं बोलूँ तो होम डेकोरेशन के लिए बनता है, बर्तने बनती हैं,
या फिर डिजाइनर, काफी सारे ऐसे चीज हैं जो कि बांस से ही बनाई जाती है, बैम्बू से ही बनाई जाती है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला था कि यहाँ पे मशीनें लगेंगी और जो है इसका प्रोडक्शन किया जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। हुआ क्या कि वो चीजें उतनी सक्सेसफुली नहीं हो पाई। सबसे पहला बड़ा चैलेंज हुआ बैम्बू के ऊपर, बैम्बू की जो है सप्लाई उतनी अच्छी सी नहीं मिल पाई, या फिर जो प्रोडक्ट बनाने को है। बाय द वे, ये बैम्बू स्टिक बना तो बैम्बू स्टिक्स बनाने के लिए ये तो नहीं कहीं से भी किसी भी तरीके का बांस उठा के ला के बना दिए, ऐसा तो नहीं बनेगा। इसके लिए स्पेशलिटीज जो है वो अलग से बैम्बू की होनी चाहिए, जो कि ये इस तरीके के बम्बू बनाने के लिए, इस तरीके के जो राउंड छड़ियाँ हैं, राउंड गोलाईदार छड़ियाँ बनाने के लिए बांस की ज़रूरत होती है, तो वो नहीं हो पाई समय के साथ। और दूसरी चीज़ क्या है, जब वो चीज़ें नहीं हो पाई, कहीं कहीं पे चीज़ें मिल रही थी तो वो चीज़ें महंगी हो जाने लगी। महंगी इसलिए होगी क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का और भी काफ़ी सारे कॉस्ट लगते हैं, वर्किंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, मशीनरी का, वो सारी चीज़ों की वजह से ये काफ़ी महंगी हो गई। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा ये हो गया कि इसके प्रोडक्शन जो हो रही थी उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, जो कि मशीन थी। सबसे पहली चीज़ तो मशीन ही होती है। मशीन क्या है, एक प्रॉपर जो मशीन होनी चाहिए जो बैम्बू को अच्छे तरीके से शॉर्टेज करे, कटिंग करे, उसके बाद उसके जो राउंड शेप होते हैं, जैसे ये बैम्बू है इसमें आप गोलाई देखोगे तो थोड़ा सा कटा कटा दिख रहा है, मतलब बीच से छूटा हुआ, या फिर फिनिशिंग कमी है, तो ये सारी चीज़ें सट आउट होती है मशीन से, मशीन की कमी। और लास्ट चीज़ मैं बोलूँ तो फिनिशिंग अगर नहीं रहेगी तो लोग क्या है, मशीन जैसे जानते हो अगरबत्ती मशीन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इशू होता है फीडर का, थोड़ा बहुत भी बैम्बू इधर उधर हुआ तो चलता नहीं है, अगरबत्ती बनेगी नहीं, या बैम्बू ख़राब होगा या तो अगरबत्ती ख़राब निकलेगी, तो लोग उसके वजह से इसे जो है यूज़ नहीं करना चाहते थे, तो इसके कारण ये एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ। फिनिशिंग कम होने की वजह से ऑलरेडी इसके जो है कमी आ गई, और डिमांड और सप्लाई दोनों में जो है कमी पड़ गई, जिसके कारण ये जो है प्रॉपर पूरी तरीके से इंडियन बैम्बू स्टिक जो है फ्लॉप हो गया। अभी हाल ही में मेरे एक सर हैं जो कि आसाम से, चंदन हरजाकिया जी हैं, जो कि वो काफ़ी टाइम से बैम्बू स्टिक्स, इंडियन बैम्बू स्टिक यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ें, कुछ चीज़ें मुझे खुलकर ही बताई कि सर ये इंडियन बैम्बू स्टिक्स हैं उसमें कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनके भी यही प्रॉब्लम थे, सेम टू सेम, कि मशीनरी नहीं होने की वजह से प्रोडक्शन बहुत कम आना, वर्कर्स की कमी होना, या फिर बार बार जो मशीन चलानी है तो उसके लिए चाहिए इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो उसका भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके वजह से जो है इंडियन बैम्बू स्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन इसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है चाइना बैम्बू स्टिक्स ही सप्लाई, मतलब चाइना से ही आती है, लोग वहाँ से इम्पोर्ट किया जाता है, और ये हमको जो है आने वाले टाइम में, अभी का प्राइस तो 130 रुपीज़ है, आने वाले टाइम में ये और भी बढ़ सकता है, ना जाने 2-3 सालों में क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि चाइना बैम्बू स्टिक्स की पूरी मोनोपोली है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कारण यही है कि हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, और जो है हमारे पास चीज़ें रह के भी हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये चीज़ें सक्सेसफुली हो जाती हैं तो इंडियन भारतीय लोगों के लिए, अगरबत्ती बनाने वालों के लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान रहेगा, और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और चीज़ें सस्ती भी मिलेगी। किसी भी तरीके का कोई भी मोनोपोली इसमें नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहीं से चीज़ें हो रही हैं और यही बन रही हैं और यही खपत हो जा रही है। तो मैं तो वोकल फॉर लोकल सपोर्ट करना ही चाहूँगा, और आप भी सपोर्ट ज़रूर कीजिए इंडियन बैम्बू स्टिक्स को, और कोई कोई ऐसे सप्लायर्स हैं जो सप्लाई कर रहे हैं अभी के टाइम पे, और आगे देखते हैं क्या होता है। और यही है इंडियन बैम्बू स्टिक्स की रियलिटी, जिसे मैंने आपके बीच बताया, और हमारा ये इंडियन बैम्बू स्टिक्स रहने को काफ़ी अच्छा है। ज़रूरत है तो सपोर्ट की, जब इसे लोग धीरे धीरे इस्तेमाल में लाते जाएंगे और लोगों को जो है जो बनाने वाली है उनको एक नया मौका मिलेगा कि नहीं यार डिमांड तो सही है। डिमांड अगर बढ़ेगी तो वो भी इनके पीछे जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं वो भी फुलफिल किए जाएंगे, और लोग जो है
धीरे धीरे सप्लाई चेन में भी बढ़ोतरी देखेगी, तो इसके हिसाब से इंडियन बैम्बू स्टिक्स काफ़ी अच्छा सर्वाइव कर सकता है। और ये वीडियोस आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।